तात्कालिक प्रभाव से एनजीटी का आदेश हुआ है, जंतर मंतर पे अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा इस संदर्भ में है। मुझे याद आती है धूमिल की एक कविता कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। हम आंदोलन से उपजी हुई पार्टी हैं और हमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लोग की आस्था को बनाए रखने में जंतर मंतर का क्या महत्व है, इस बारे में किसी और से कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। कहा यह जा रहा है कि जंतर मंतर पर जो विरोध हो रहे हैं, जो शासक की कुर्सी है उसके बेहद करीब जो विरोध की आवाजें पैदा हो रही हैं, उन आवाजों से कुछ लोगों को तकलीफ है। ध्वनि प्रदूषण हो रहा है ऐसा कहा जा रहा है, और ध्वनि प्रदूषण का हवाला देकर प्रोटेस्ट के इस दशकों पुराने वेन्यू को शिफ्ट करने की बात की जा रही है। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि हम नॉइज पोल्यूशन का हवाला दे रहे हैं कि जंतर मंतर पे नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, जबकि वो डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया नहीं है। और शिफ्ट कहां करेंगे, रामलीला मैदान में, जो डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया है। तो ये बात तर्कसंगत नहीं लगती, मन में संदेह पैदा होता है कि कहीं हर विरोध की आवाज को दबाने वाले महाराजा की कोई साजिश तो नहीं है ये। विरोध हमेशा जो पावर ऑफ सीट है, जो सीट ऑफ पावर है, उसके पास होता है, उसके इर्द गिर्द होता है। कल को आप कहें कि अब रामलीला मैदान में भी दिक्कत है, नांगलोई शिफ्ट कर लो। फिर कहें कि नहीं, यहां दिल्ली के लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, अब आप घुम्मन हेड़ा के आगे जो झज्जर के बॉर्डर पे गांव है वहां पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं आप, तो लोग तो वहां भी रहते हैं। तो वे सभी लोग जो इस कवायद में लगे हैं, मैं उनको लोहिया जी की एक बात याद कराना चाहूंगा कि सड़कें अगर खामोश हो जाएंगी तो यह संसद आवारा हो जाएगी। आम आदमी पार्टी एनजीटी के कंसर्न का सम्मान करती है, उनकी चिंता का सम्मान करती है, उनके तमाम वातावरण को शुद्ध रखने वाले प्रयासों का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन जंतर मंतर से प्रोटेस्ट वेन्यू को शिफ्ट करना अपने आप में लोकतंत्र को मजबूत करने वाली हर आवाज के दमन के बराबर है। लिहाजा एनजीटी के ऑर्डर के प्रति अपनी विनम्र असहमति व्यक्त करते हुए आम आदमी पार्टी करबद्ध प्रार्थना करती है, एनजीटी से निवेदन करती है कि अपने इस आदेश का वो एक बार फिर से अवलोकन करें, इसे रिव्यू करें। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार से भी, दिल्ली की सरकार, दिल्ली की पुलिस और नगर निगम जो बीजेपी के अधीन है, इन तीनों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि चूंकि आप इस आदेश की इंप्लीमेंटेशन बॉडी हैं, आपसे निवेदन है
कि किसी भी कीमत पर आंख मूंद कर दशकों पुराने इस प्रोटेस्ट वेन्यू को शिफ्ट न करें, इसे जरूर रिव्यू करें, किसी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता जान पड़ती हो तो वो प्रयास भी करें, लेकिन जंतर मंतर जहां से सैकड़ों कल्याणकारी देशहित के आंदोलन पैदा हुए हैं और इन आंदोलनों ने समाज को, देश को मजबूत किया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया है।